आदम का अमर सिंह पर बड़ा इल्जाम, कहा 300 करोड़ रुपए लेकर आए बांटने के लिए। यूपी के रामपुर के स्वार में एक जनसभा में आजम खान ने अपने विरोधी ठाकुर अमर सिंह पर बड़ा इल्जाम लगाया। और जो शख्स 300 करोड़ रुपया लेकर आया है बांटने के लिए, उससे कोई हिसाब नहीं होगा। मैंने इस लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, ताकि आप ये न देख सकें कि कहां कितना पैसा गया, मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखकर भेजा कि जो लोग 5 सितारा होटल में अपना दफ्तर बनाकर बैठे हैं, जिनके पास दौलत की इंतहा यह है कि पूरा होटल इलेक्शन ऑफिस बन गया है, जिसका एक दिन का खर्चा तकरीबन 50 लाख रुपए का है, नोट वो बांटेंगे या नोट मेरे ये गरीब बांटेंगे? ये गरीब बांटेंगे जिनके पास सिर्फ पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी है। एक पैसा भी मेरी जानिब से दिया गया है? अगर एक गवाह भी इस बात का यहाँ मिल जाए तो मैं उससे चाहूंगा कि वो छुरे से मेरा एक बोटी निकाल कर ले जाए। हम पर सितम के पहाड़ टूट रहे हैं साथियों। गुनाह ये है कि आपकी आवाज है, गुनाह ये है कि आपके दिल की धड़कन है। मैं बहुत कमजोर आदमी हूं सरकार वालों, बंबई वालों, दिल्ली वालों, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं। मैं तो डर की वजह से तुम्हारा नाम भी नहीं ले रहा हूं। आज भी मोबाइल खोलिया, जो साहब दिल्ली से आए हैं उन्होंने मुझको हिजड़ा, नामर्द, कमीना, जलील, कौन सी गाली नहीं दी है। गुनाह सिर्फ यह है कि जुल्म की अदालत पे मैं आपका वकील हूं।